देखते हुए देखा है। पहली गेंद आज के मैच की। अच्छा से खेल कर ऑन साइड पर। ऊंचा खेले हैं और देखना पड़ेगा। सिक्स और ये गेंद छह रन के लिए मैदान से बाहर। दैट्स व्हाट उमर अकमल कैन डू, ही कैन मिस टाइम अ शॉट फॉर सिक्स। और पता खेल दिया है ऊंचा एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर और गेंद बाहर बाउंड्री लाइन के छह रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर छह रन के लिए। और जोरदार ड्राइव और चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर मिड ऑन और मिड ऑफ की दरमियानी पोजीशन से। खूबसूरत स्ट्रोक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और बॉल कर दिया, बड़ी उम्दा बॉल और छक्के और चौके का बदला ले लिया इस गेंद पर। अंदर आती इस गेंद को समझ नहीं सके, उसे खेलना चाहते थे और बल्ले और बैट के दरमियान, बैट के दरमियान जो थी गेंद विकेटों में जा लगी। ओवर एसोसिएट्स के लिए नए आने वाले बैट्समैन सोहेल अख्तर एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, स्पेशली एट दिस लेवल काफी हार्ड हिटिंग करते हैं और एक अग्रेसिव बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं। 19 for 1. Good piece of bowling that. अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, मोहताज अंदाज में खेला सोहेल अख्तर ने। एरर करते हैं या नहीं, मतलब खेलने में कामयाब हुए गैप में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। दैट वाज अ बिट डेंजरस, अपेशली गई। और इस बार उठाकर खेला है। दैट वाज अ ह्यूज सिक्स, ब्यूटीफुली टाइम दैट वन बाय उमर अकमल। ये सब कुछ वक्त के साथ साथ और पता जगह बना के खेलने में कामयाब हुए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। और तो फिर खेलने में कामयाब लेग साइड पर और इस मरतबा गेंद यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। एक और खूबसूरत स्ट्रोक उमर अकमल का। और एक बार फिर यॉर्कर कराना चाहते थे लेकिन अपनी लेंथ को मिस किया। फुल टॉस बना सोहेल अख्तर के लिए और ने भरपूर फायदा उठाया इसका। चार रन हासिल किए आफ्टर फोर, इट्स 45 for 1। और शॉर्ट गेंद को खेल दिया है उमर अकमल ने। सबलाइम हिटिंग बाय उमर अकमल, बैक फुट पर गए, इट वाज नॉट दैट शॉट, लेकिन विकेट के बहुत करीब तक गए और उठाकर फेंका इसको डीप मिड विकेट के ऊपर से। इसके साथ ही मिस सेंचुरी भी मुकम्मल हुई उमर एसोसिएट की। एक और शॉर्ट बॉल उसे खेल दिया, एक मरतबा गेंद हवा में आउट होने खतरा उमर अकमल के और आउट। दूसरी कामयाबी कैंडी लेन को मिली और उमर अकमल इस गेंद पर भी ऊंचे चौक खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं सके और नतीजतन पवेलियन वापस जाते हुए। उमर अकमल 29 रन बनाने के बाद अब खरामा खरामा पवेलियन जाते हुए कितने रन इस ओवर में बन जाए। अच्छा बॉल और से खेलने में कामयाब है फाइनल लेग पोजीशन पर। गेंद बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा देखना होगा। That was very, very cleverly played by Azam Khan. फुल टॉस गेंद को खेलने में कामयाब हुए और गेंद यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन के बाहर होगी बैक फुट पॉइंट पोजीशन से। अब चम से खासा बाहर, फुल टॉस भी थी उसे हल्का सा गाइड किया। मतबा जोरदार चौक खेले हैं सोहेल अख्तर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए। मिड विकेट बाउंड्री पर पायर का इशारा देखिएगा, छह रन। Oh, what a shot that was! That was not there to hit, but बनाया पूरा शॉट को और जानदार अंदाज में ओवर डीप में विकेट खेला। That's a sample of what Azam Khan can do after 7 is 79 for 2. I actually feel honored sitting here with a legend like you. Thank you. Again, sublime timing by Sohail Akhtar. जाने आना अंदाज में बिल्कुल सीधा खेलें। That's the safest place you can hit. और इस बार बोल कर दिया है आजम खान को। ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग दैट वन कर रहे थे।
Azam gone for 20, bold Yasser, Umar Associates 87 for 3. और अब देखना यह कि उमर एसोसिएट की टीम कितने रन बनाती है इस 20 ओवर में। बैक फुट पर गए और जोरदार अंदाज में कट किया इस बॉल को, पॉइंट और गली के बीच से गैप फाइंड किया, चार रन हासिल किए सोहेल अख्तर ने। और इस बार बहुत आउटसाइड द ऑफ सीम बॉल थी, छोड़ते तो शायद वाइड हो सकती थी, लेकिन कनेक्ट किया, चांस लिया और इस बार इट्स गोइंग गोइंग एंड गॉन, व्हाट अ शॉट दैट वाज, सोहेल अख्तर टेक लॉट ऑफ रन्स। और इस बार डीप मिड विकेट की जानिब खेले हैं, सीधे गैप में एक और चौका हासिल करेंगे सोहेल अख्तर, ही इज एब्सोल्युटली ऑन फायर आफ्टर 10, उमर एसोसिएट्स आर 109 फॉर 3। उनके नाम से ये मंसूब है, एडमिरल नेल्सन के नाम से। Oh, what a brilliant shot this time by Saud Shakil. Behtareen andaaz se is ball ko khela hai over the head of the fielder standing inside the circle. Zaran comb box mein bhi tabdili, Naseem Rajput aur Manzar Naqvi. Go to take over. Brilliant delivery meanwhile. Zordaar appeal aur umpire ne out diya. Saud Shakil bhi is tarah out hokar pavilion laut rahe hain. कैच छूट गया मगर लेफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई सोहेल अख्तर की। बॉलर बैक ड्राइव खेले थे और खासा तेज शॉट था, बॉलर ने कोशिश जरूर की, सोहेल अख्तर 50 रन मुकम्मल करने में कामयाब। इस बार प्रॉपर कनेक्शन, या खुर्रम शहजाद का गेंद को बचाया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। सोहेल अख्तर से उस्मान शाह भी थे, तो आपकी बात सही है कि खासी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। जबरदस्त स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, थोड़ा सा रूम बनाया है यहाँ सोहेल अख्तर ने, मुमकिन हो जाता है उनकी गेंद को रोकना। और इस बार भरपूर कनेक्शन, सोहेल अख्तर इन फुल फ्लो, शानदार छक्का, और ये दूसरा छक्का है कि गेंद ग्राउंड के बाहर गई है मंजर था, और नो बॉल भी हो गई है, भरपूर फायदा भी उठाया और खासा दिलकश स्ट्रोक, खासा दिलकश स्ट्रोक सोहेल अख्तर का। और मरतबा खेल दिया और ये गेंद यकीनी तौर पर मैदान से बाहर, 6 रन के लिए हैट्रिक भी मुकम्मल। मरतबा खुर्रम अपनी क्रीज से बाहर आए, जबरदस्त हिट सामने की जाने, बहुत बड़ा छक्का, बड़ा एक्सपीरियंस है और मिसबाहुल हक के साथ बहुत क्रिकेट खेली है खुर्रम ने। इस बार प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को पहुंचाया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, जोरदार छक्का, फील्डर ने गेंद को कैच जरूर किया लेकिन इस कैच का कोई फायदा नहीं था, गेंद दीवार से लग के वापस आई है। एक बार फिर गोइंग गोइंग गॉन, अनदर ह्यूज सिक्स, सोहेल अख्तर इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। 18th ओवर अंडरवे और इस बार बैक फुट पर गए और इस बॉल को उठा के फेंका है, एक और मैक्सिमम के लिए 1 फखर और 91। और एक और जोरदार हिट यहां सोहेल अख्तर की, एक और जोरदार छक्का, और अब अपनी सेंचुरी से करीब तर होते हुए सोहेल अख्तर रन्स को 203 रन्स तक पहुंचाया। जबरदस्त किस्म के हिट ऑन साइड की जानिब, शानदार चौका खुर्रम शहजाद का, और इसके साथ मंजर नकवी भी आ गए कमेंट्री बॉक्स में। मतलब फिर जोरदार स्ट्रोक, जगह बनाकर खेलने में कामयाब हुए खुर्रम, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अपने दूसरे प्लेयर्स को भी ट्राई आउट करता है, और भी टीमें होती हैं, मजा आता है। जाहिर सी बात है कि ये मेरा दूसरा सीजन है रमजान में यहाँ पे कराची में खेलने के लिए आया हूँ, और आप ये समझ लें कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उन्होंने बैटिंग की और लेकिन अब तो सोहेल अख्तर की बैटिंग और सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब सोहेल अख्तर, 7th कॉर्पोरेट T20 कप 2019 की पहली सेंचुरी उमर एसोसिएट्स के लिए सोहेल अख्तर की जानिब से। जबरदस्त बैटिंग मंजर, एबटाबाद हरिपुर से इनका ताल्लुक है और इनकी एकेडमी ने बड़ा काम किया। सोहेल अख्तर ने 101 रन की शानदार इनिंग खेली, स्ट्राइक रेट जबरदस्त, और इस बार
क्योंकि फील्डर्स कवर पे पीछे नहीं थे, इसका फायदा उठाया। शानदार चौका यहाँ एक और सुहेल अख्तर का, एक और जबरदस्त हिट ऑन साइड की जानिब, इस बार कैच। ऐसा लगता है जो भी हिट लगेगी सुहेल अख्तर की वो बाहर जाएगी। इस बार भी मिडिल किया था लेकिन इतना ज्यादा मिडिल नहीं कर सके, तो आसिफ ये विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। वेरी वेल प्लेड सुहेल अख्तर। सुहेल अख्तर 52 गेंदों पर 105 रन की शानदार इनिंग खेलने के बाद वापस पवेलियन जाते हुए 227/5 ओवर एसोसिएट्स होता है। और आउट होने का खतरा, और देखना पड़ेगा फील्डर गेंद को विकेट पे लगाने में कामयाब जरूर हुए। आखिरी बॉल उमर एसोसिएट की नहीं की, और मतलब जोरदार अंदाज में खेल दिया है, और देखना पड़ेगा गेंद बाहर है या अंदर। गेंद बाहर 6 रन के लिए। इसके साथ ही खुर्रम शहजाद ने दिस सेंचुरी भी मुकम्मल की, और इसके साथ 20 ओवर भी मुकम्मल हुए उमर एसोसिएट के 233/6। ये सुहेल अख्तर ने आज जबरदस्त बैटिंग की, इस 7th कॉर्पोरेट T20 कप 2019 की पहली सेंचुरी स्कोर की। 52 गेंदों पर 105 रन बनाए, 53 रन बनाकर खुर्रम शहजाद नॉट आउट रहे, और सिर्फ 24 गेंदों पे उन्होंने ये रन स्कोर किया। उमर अकमल ने इब्तिदा में अच्छा आगाज फराहम किया, 29 रन स्कोर किए थे, 20 रन आजम खान ने स्कोर किए एक्स्ट्रा 7। इसका मकसद है कि कैंडीलैंड के बॉलर्स ने इतनी ज्यादा बुरी बॉलिंग नहीं की। मंजर जी बिल्कुल विकेटों के दरमियानी बॉल करते हैं, ये स्कोर कार्ड कैंडीलैंड की बॉलिंग का। 2 विकेटें यासिर हुसैन ने हासिल की सबसे कामयाब बॉलर, जबकि एक एक विकेट फहीद खान, वसीम अहमद और इदरीस मिर्जा के हिस्से में आई। और इस दूसरे मैच में फतह के लिए कैंडीलैंड को 234 रन का हदफ दरकार होगा 11.7 की रन औसत से। Here we go. इस बार अच्छी डिलीवरी टू स्टार्ट ऑफ विद, मोहतान अंदाज में टैप किया बॉल को और एक रन हासिल किया कैंडीलैंड, और ऑफ द मार्क विद सिंगल उन्होंने। और इस बार उठाकर खेले हैं लेकिन आउट, couldn't connect it properly, और सीधे उमर अकमल के हाथ में। 4-1 विकेट के नुकसान पर जाकिर मलिक आउट हुए 2 रन बनाने के बाद। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और सीधा खेले हैं, दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक, ब्रिलियंटली प्लेड। मतबा एक और ऊंचा स्ट्रोक हाफिज असद की जानिब से, और गेंद यकीनी तौर पर मिड ऑन बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रन के लिए, दूसरा चौका इस ओवर में। ओ बहुत उम्दा बॉल, और बिल्कुल बल्ले के पास से विकेट कीपर के हाथों में आई। मेरे ख्याल बैट्समैन को पता ही नहीं चला कि गेंद कब आई और कब गई। ओवर का अख्तितम 5 ओवर के खात्मे पर 25/1 कैंडीलैंड। और मतबा जोरदार स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए, और फील्डर कोशिश कर रहे हैं गेंद तक पहुंचने की मगर नाकाम रहे। नए ओवर की पहली गेंद पर चौका हासिल कमर अहमद साहब ने। वेलकम कमर अहमद साहब। शुक्रिया, बहुत ही अच्छा शॉट लगाया, और एक बार फिर कवर्स की जानिब चौका के दरबानी हुआ था, और वो मैंने कवर किया था इंग्लैंड में। जी बिल्कुल, 5 जनवरी 1971 को जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मेलबर्न में टेस्ट मैच वॉइस आउट हो गया था, तो आखिरी दिन फैसला किया उन्होंने कि ये। और उमर है तो आई थिंक ओवरऑल टीम अच्छा कर रहा है स्कोर इस पे। आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट विकेट, जरा सा अगर बॉलिंग अप्लाई करें तो इस पे 234 इज अ गुड स्कोर। उमर एसोसिएट्स का जो पूरा सेटअप है इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई टीमें आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और खेल लेती हैं। मैं समझता हूं कि ही इज वेरी गुड बॉलर, और पता बाहर निकल कर खेलने में कामयाब हुए, और गेंद गई 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी देर के बाद एक और पॉजिटिव स्ट्रोक कैंडीलैंड का 9th ओवर की। बात हो रही थी इत्मान खादिर की, और ये शॉट खेला है जबरदस्त तरीके से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। नहीं है स्पिनर्स के लिए जो होना चाहिए, और मरतबा आमदगी से खेलने में कामयाब हुए। फाइनल लेग पोजीशन पर रैंप शॉट खेला 4 रन के लिए, और इसी के साथ हाफिज असद की नेट सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई। खूबसूरत स्ट्रोक हाफिज असद का। यस जर्नलिस्ट क्रिकेटर
नहीं अब्दुल खादिर मैं समझता हूँ ये आउट होने का खतरा, जरा ये विकेट हासिल हो गई यहाँ पर उमर एसोसिएट्स को, इस तरह तीसरा नुकसान कैंडलैंड की टीम को उठाना पड़ा है और तकरीबन इनको रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त 20 है तो बहुत मुश्किल का सामना है इनको। और इस बार आपकी बात सुन ली हाफिज असद ने और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद पहुंचाया, जोरदार छक्का हाफिज असद का। खेल रहे अनवर अली अनफिट हो गए, वो टीम का हिस्सा नहीं है, तो कई सारे क्रिकेटर्स तो क्लब के और बहुत सारे क्लब से खेले। इस बार आउटसाइड एज लगा, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, चार रन हासिल होंगे यहाँ कैंडलैंड को। इरफान बॉलिंग जारी रखेंगे, इस बार इरफान की गेंद को कवर की जानिब खेला फील्डर से, खासी दूर गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार चौका। तो फिर उसको बॉल एक तरह की फुटबॉल नजर आती है। इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, फील्डर खुद बॉलर खुद विकेट कीपर और बॉलर दोनों पहुंच गए थे, आजम खान और इरफान, बिलाखिर इरफान कैच करने में कामयाब। इस तरह हाफिज असद की शानदार इनिंग का खात, हाफिज असद 74 रन बनाकर आउट हुए 44 गेंदों पर, 92 पर 4 कैंडलैंड। जोरदार अपील आउट करार दिया अंपायर खालिद महमूद सीनियर ने, इस तरह पांचवा नुकसान कैंडलैंड की टीम को उठाना पड़ा है। नहीं हुआ तो जिसकी वजह से रिक्वायर्ड रन रेट जो है तकरीबन 24 तक पहुंच गया है। और पंद्रह जोरदार स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ऊपर है पाकिस्तान का, बहुत ही कांटे का मैच है, टारगेट बहुत लंबा है। और तो बाहर निकल कर खेलने में कामयाब हुए हैं और वहां पर फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन हासिल किए बैट्समैन ने। और तो आउट होने का खतरा और बाहर निकल कर खेले थे, बीट हुए बैट्समैन और स्टंप आउट, रेल शायद आउट हुए 9 रन बनाने के बाद। 17 ओवर के इख्तिताम पर कैंडलैंड 114 पे 6, तो लिहाजा कम से कम रन रेट को ही सही करो। और पता बाहर निकलकर जोरदार चौक और एक और खिलाड़ी पवेलियन की तरफ जाता हुआ, शॉट में बड़ी कुव्वत थी मगर फील्डर दीप में मौजूद थे, एक और नुकसान कैंडलैंड की टीम को। इनका जारी है और मतलब ऊंचा चौक खेला है, देखना पड़ेगा, फील्डर गेंद को रोक नहीं सके और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर था। और जब नेल्सन मंडेला रहा हुए आजाद हुए और अपार्थाइड की पॉलिसी खत्म होने वाली थी, एक और विकेट गिर गई यहाँ कैंडलैंड की, 8वां खिलाड़ी उनका आउट हुआ। जोरदार हिट लगाने की कोशिश में बैट्समैन नाकाम रहे। इस आखिरी बॉल पे कमर भाई देखते हैं क्या गुल खेलता है। जी हाँ, हो सकता है बैट्समैन आउट हो जाए। जोरदार चौक खेले और शायद आपकी बात दुरुस्त साबित है, लेकिन नहीं, गेंद एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथों पहुंची। तो इस बॉल के साथ ही मैच का इख्तिताम हुआ, उमर एसोसिएट की टीम कामयाब हुई। 234 रन का हदफ था कैंडलैंड की निगाहों के सामने मगर 234 रन के हदफ के दाखों में सिर्फ 134 रन स्कोर कर सकी कैंडलैंड की टीम और यकीन तौर पर 99 रन से मैच हार गई। बहुत बड़ी कामयाबी बड़े मार्जिन से उमर एसोसिएट की टीम की। बैटिंग कार्ड अगर देख ले हम कैंडलैंड का, सिर्फ 74 हाफिज असद के स्कोर बोर्ड पे नुमाया, उसके बाद कोई बैट्समैन काबिल जिक्र बैटिंग नहीं कर सका। 134 रन बनाने में कामयाब हुई कैंडलैंड की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर, एक्स्ट्रा भी खासे कम रहे 9 रन। दो विकेट उस्मान की, दो सलमान की और आज तो ये दो मैचेस हैं यहाँ पर। इस मैच के अख्तिताम पर अब कुछ देर के बाद उमर एसोसिएट का बॉलिंग कार्ड आप देखें, दो विकेट हासिल की सलमान और उस्मान खादिर ने, लेकिन सबसे कामयाब बॉलर है सऊद शकील, 3 ओवर में 15 रन। बुनियादी तौर पर ये बैट्समैन है सऊद शकील और खबर में आपको बताएं कि सऊद शकील जो है पाकिस्तान 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं, वर्ल्ड कप खेले 2014 में।